Hey, good morning guys, welcome back to the channel. So, फिलहाल हम जा रहे हैं रिसेप्शन पे. फिलहाल टाइम कितना हो रहा है? फिलहाल दो बार क्यों बुलाया? 10 बज रहे हैं और यहाँ पे अपन फॉर्मेलिटीज कुछ करना है वो बताता हूँ मैं आपको. इस जगह की जो वाइब है ना बहुत ही अच्छी है यार. मतलब मेरे को सीरियसली बहुत अच्छा लगा. द फर्नीचर, द ओवरऑल डेकोर बहुत ही खूबसूरत है. तो इसीलिए अपन ने डिसाइड किया कि यार यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि बैंगलोर में अपना 2-3 दिन रहने का प्लान है एंड उसके बाद शायद अपन स्टार्ट करेंगे अपनी रिटर्न जर्नी टुवर्ड्स गुड़गांव. एंड अगर बात करें वेदर की तो भाई साहब अच्छा है. सनी नहीं है, अच्छा वेदर है, बारिश भी नहीं हो रही है, किचड़ किचड़ नहीं है. अपने को जाना है नीचे क्योंकि अपनी गाड़ी नीचे है. यहाँ से लिफ्ट आएगा तभी चलेंगे, यहाँ से कूद के थोड़ी ना चले जाएंगे. गाड़ी अंदर लगे रहते थे तो सेफ रहती है. भैया को मैंने गुड मॉर्निंग कहा और अपनी गाड़ी निकली नहीं, मतलब इधर से कोई गाड़ी नहीं निकली तो अपन की गाड़ी इधर ही साइड में. कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है ना, देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो, पूरी मिट्टी भाई. मुंबई से लेके यहाँ तक पूरी पूरी मिट्टी मिट्टी में सन गई है. मैं थोड़ा सा हेडलाइट साफ़ कर लेता हूँ रात के टाइम पे, अदरवाइज़ तो पूरी गाड़ी साफ़ करवाने का कोई मतलब नहीं है. एक बार सोच रहा हूँ पानी मरवा दूँ, लेकिन फिर वही घोड़े वही मैदान हो जाएंगे. एक बार जब गाड़ी हाईवे पे चलेगी ना इतनी मिट्टी उड़ेगी भैया, मिट्टी मतलब कीचड़ उड़ेंगे कि ये पूरा ऐसे ही हो जाएगा, दाग ही हो जाएगा. प्लस एक और रीज़न है मेरा यहाँ पे रुकने का, ये एरिया सीरियसली यार बहुत ही पॉश एरिया है. रिचमंड रोड है, रिचमंड रोड कहते हैं इसको. तो एक तो सेंट्रल है, प्लस पॉश है, प्लस एकदम सन्नाटा यार. मतलब कोई आपको तंग करने वाला नहीं, आराम से अपना हसल बसल से दूर. अगर होटल के रूम में हो तो परफेक्ट, एकदम शांति में हो. प्लस ज़्यादा मैं 4,000 रुपये का रूम था यार, एक दिन का 4,000 रुपये. यहाँ से अपन सबसे पहले जा रहे हैं इंदिरा नगर का डिस्टेंस यहाँ से 6.6 किलोमीटर है, 23 मिनट्स लगने वाले हैं. तो 10:30 तक अपन पहुँच जाएंगे. सुबह यही बात हुई थी कि यार इसी टाइम पे निकलेंगे, क्योंकि मेरा तो एक्चुअली जो नंदी हिल है ना यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे के आसपास का रास्ता है. कॉलेज में था ना, MBA की मैंने यहाँ से, 2 साल में था बैंगलोर में, तो काफ़ी सारी यादें जुड़ी है इस जगह से. कल अपन ने ऑलमोस्ट 608 किलोमीटर कवर किया था गोवा से बैंगलोर तक, और एवरेज जो अपना आया था ऑलमोस्ट 12 का आया था, क्योंकि मैं क्रूज कंट्रोल पे जा 2 महीने 180 तक भी गाड़ी ले गई. बट देन ओवरऑल जो एवरेज था ना बहुत सही था यार. पहाड़ों का भी रास्ता था गोवा से, पतले रास्ते भी थे, बट ओवरऑल जो अपना स्पीड था ना 80 से 100 के बीच में था. बहुत सही गाड़ी, इतने बड़े इंजन में 12 का एवरेज निकाल पाना. भैया मेरे को इनाम दे दो, कमेंट सेक्शन में इनाम दे दो मेरे को. भाई बैंगलोर का ट्रैफिक ना क्रेजी है यार, क्रेजी है. मतलब कितना भी निकल जाओ, कितना भी कम डिस्टेंस, अब 6 किलोमीटर के लिए ऑलमोस्ट आधे घंटे, आप समझ सकते हो कितना क्रेजी ट्रैफिक. आधे घंटे तो GPS दिखा रही है. तो यहाँ से नंदी हिल इज लाइक 66 किलोमीटर्स. अब 66 किलोमीटर्स 1 आवर, मतलब 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे. बगल में ही है तो आधा टाइम तो अपने को ना, मतलब जो एयरपोर्ट है ना उसके पास में ही है, उससे थोड़ा सा आगे है. जो नया वाला एयरपोर्ट है बैंगलोर का काफ़ी दूर है यार शहर से. और एयरपोर्ट मेरे सामने खुला था जिस साल इनाग्रेट हुआ था, 2007 से 2009 में बैंगलोर में था, उसी समय इनाग्रेट हुआ था. एंड बहुत अच्छा है, मतलब उस समय तो एकदम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट था यार. अभी तो खैर बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ आ गई हैं, बट एयरपोर्ट के साइड ही, देवनहल्ली एयरपोर्ट कहते हैं, तो देवनहल्ली के साइड ही जाना है अपने को टुवर्ड्स हैदराबाद रोड. सो फिलहाल हम हैदराबाद वाले हाईवे पे टच करेंगे. यही वाला हाईवे अपने को सीधा NH 44 पे ले जाएगा. मतलब बेसिकली NH 44 वो हाईवे जो हैदराबाद से नागपुर होते हुए इंदौर होते हुए, नहीं इंदौर पता नहीं जाता कि नहीं, बट उधर से आगरा निकल जाता है, ग्वालियर होते हुए आगरा. तो आगरा कन्याकुमारी जो हाईवे है ना वो NH 44 है, तो उस पे टच करेंगे और उसी रास्ते पे एयरपोर्ट के साइड आगे बढ़ेंगे. फिलहाल तो ट्रैफिक थोड़ा सा कम है, आई होप कि जो अपना डिस्टेंस है ना वो जल्दी कवर हो जाए. ये है ना कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, हंगरी, और फिलहाल टाइम भी ऑलमोस्ट 11 बज गया. तो मैं ऐसे ना रेस्टोरेंट वेस्टोर में मैकडी वैकडी एंड KFC वगैरह नहीं ऑर्डर करना चाहता था, ये भाई सुबह मंगा लिया. आई वॉन्ट हैव दैट टिपिकल. यहाँ पे ना जब मैं MBA में था तो हमेशा आई यूज टू हैव दैट इडली वड़ा, वो छोटे से टपरी पे ना जो वो टेस्ट है ना वो वाला टेस्ट एक्सपीरियंस करना है. प्लस आई वॉन्ट हैव एग पफ मुझे ना कहीं नहीं मिलता, तो मुझे यहाँ पे ना बहुत सारी कन्फेक्शनरीज रहती हैं, तो वहाँ वाला एग पफ खाना. तो लाइफ का अपना यही एजेंडा है, ये 3,000 किलोमीटर का ट्रैवल मैंने क्यों किया, एग पफ के लिए. भाई अगर इस हाईवे पे आ रहे हो और अब यहाँ से नहीं हो और नंदी हिल जाने का प्लान कर रहे हो,
तो ये एयरपोर्ट वाला जो रोड है ना, इस पे आपको इंटरसेप्टर्स मिलेंगे। अभी तो फिलहाल अपन बच गए क्योंकि अपन स्पीड कंट्रोल में था, 80 का स्पीड लिमिट है यार। रोड्स इतने अच्छे हैं ना कि आप अगर स्पीडों पे नहीं देखो ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 80 पे चल रहे हो। तो वंस यू क्रॉस एयरपोर्ट, अपना जो डिस्टेंस है सिर्फ 30 किलोमीटर्स बाकी है, तो मतलब ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से थोड़ा सा आगे निकलो। अगर बैंगलोर उतर रहे हो तो कैब लेके पहले नंदी हिल चले जाओ, क्योंकि वापस ट्रैफिक में क्यों आओगे भाई। अगर गाड़ी से नहीं आ रहे हो तो पहले कैब से नंदी हिल चले जाओ, फिर अपना काम वाम करना बैंगलोर सिटी में। दानव को पूरा टेल पिला दिया, अब एमटी क्या मतलब फुल से ऊपर तक जा रहा है। चलो अब यहाँ से यू टर्न लेते हैं, मौसम भी अच्छा हो गया, बट बस बारिश ना हो। ये देखो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस दिख रहा है, कहीं ना कहीं इंटरसेप्टर होगा और फिर यहाँ पे रुक के चालान कट रहा है। यहाँ पे बाइक का बहुत कल्चर है ना बैंगलोर में, बाइक्स बहुत। मेरे पास भी ना एक्चुअली बाइक थी यहाँ पे, तो बाइक से घूमने का ना इस वेदर में बहुत अमेजिंग मजा आता था। मेरे को एक बेकरी दिख गई थी और मेरे को लगी भूख, यहाँ पे मिलता है मस्त वाला एग पफ। तो ये बैंगलोर वाला जो एग पफ है ना बहुत स्पेशल है भाई, तो अपन ने सोचा कि यहाँ पे पहले एग पफ खाते हैं, उसके बाद देखेंगे नंदी हिल जाना है नहीं जाना है ना। बेकरी में आपको बड़े मस्त मस्त चीजें मिलती है भाई, लोकल बेकरी में ऐसे ब्रेड ऐसा ऐसा कुछ खाने का, चकली वकली भी है फ्रेश, सारी चीजें फ्रेश। तो बैंगलोर में बेकरी वाला कल्चर बहुत है और मैं तो जब भी आता हूँ कहीं मिस नहीं करता हूँ। तो एग्जैक्टली ये जो सामने माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं ना, हमें उस तरफ जाना है। मैं थोड़ा जोश जोश में ना आगे ही आ गया, तो अभी आगे से ना यू टर्न लेना पड़ेगा। हाईवेज इतने अमेजिंग है ना कि अगर आपने जीपीएस पे ध्यान नहीं दिया ना तो डेफिनेटली आप इधर से सीधे हैदराबाद पहुंच जाओगे। तो ये नंदी विलेज है, मतलब छोटा सा विलेज, एंड वो सामने वहां पे पहाड़ है, इस दुकान के पीछे, इस ट्रक के पीछे। आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे दिख रहा है, बहुत दूर है, बहुत दूर। कितना जबरदस्त है यार, अरे पेड़ ना पूरा आसमान ढक दिया। अब ये कैमरे में ना उतना नहीं पता चल रहा है, क्योंकि गाड़ी के अंदर केबिन के अंदर से ना वो वाली फील नहीं आ पाती जो आप वीडियो देख के आ रहे हो और जो एक्चुअली आप यहाँ पे फील कर रहे हो। बट आज वेदर अच्छा है, अभी टचवुड बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि बारिश हो जाती ना भाई तो फिर वही सब मट्टी पलीत किचड़ पिचड़ हो जाता है। और गाड़ी का कारपेट भाई देखो, बारिश से प्रॉब्लम नहीं है, कारपेट गीले होने से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके बाद तो वो जहर उगलता है ना। गीला कपड़ा जैसे पानी में छोड़ दो, बचपन में नहीं करते थे कॉलेज टाइम में कि भैया कपड़ा धोना है, 3 दिन तक बाल्टी में छोड़ दिया, उसके बाद कपड़े में फंगस। सो ये रास्ता है अगले 8 किलोमीटर तक, ऐसे पहाड़ वाले रास्ते रहेंगे। अब तो इन्होंने प्रॉपर ना, मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, लास्ट टाइम ये बैंगलोर आया था तो मैं मिस कर गया था नंदेल आना। बट मैंने आज का एजेंडा ये रखा था, भैया अपने लाइफ का एक के मकसद है नंदेल, नंदी हिल जाना है नंदेल। ये देखो रोड्स कितने अमेजिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे मस्त वाले पहाड़ सामने और मस्त लोग साइकिलिंग, बाइक, स्पेशली ना बाइकर्स का गैंग यहाँ पे बहुत आता है। आपको बहुत सारे बाइकर्स दिखेंगे वीकेंड्स पे, वीकेंड्स पे ना सुबह के टाइम पे नॉर्मली वो सनराइज वगैरह देखने आते हैं, जो मॉर्निंग राइड्स होती है ना उसके लिए। तो जी गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, ये प्लेस मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है। कॉलेज के टाइम पे ना बाइक वाइक लेके आते थे, यानी सीढ़ियों पे ऐसे नॉर्मल बैठ जाते थे, इधर से भुट्टा वुट्टा जो भी मिलता है ना वो सब खाते थे। और सुबह के टाइम इतना अच्छा रहता था ना, ये पूरा एरिया ना मिस्ट से कवर्ड होता था। आज तो खैर अच्छा सनी है, सनी तो नहीं कहूँगा बट या वेदर अच्छा है, बारिश ना हो बस। और फिर आके ना यहाँ पे कुछ खाते हैं यार। तो यहाँ पे अपन ने टिकट लिया जो एंट्री थी, और यहाँ पे एक गाड़ी गई, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे गाड़ी कैसे जा रही है। तो अगर आपका ऊपर रूम है ना तब आप गाड़ी ऊपर ले जा सकते हो, मतलब ऊपर रहने का भी है, ये मेरे को पता नहीं था। मैं तो उधर कहाँ रहते, रिचमंड रोड पे अपने नंदेल में ही आके रहते ना, ऐसे मस्त पहाड़ों में फील आ गई यार। ज़बरदस्ती पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन देखो भाई आपको तो पता है ना मैं कितना मेहनती हूँ, पैदल चलना मेरे को कितना पसंद है। देखो ऑलमोस्ट 300 साल बाद ना मैं ऊपर आ गया हूँ, अरे सॉरी 3 साल हुए, पार्किंग नीचे ही दिख रहा है। चलो चलो और ऊपर है। सो देखो मेरे हाफने की हालत से आपको पता चल रहा होगा कितना ऊंचा आ गया मैं, बहुत ऊंचा, 4851 फीट, 51 को हिंदी में खुद से पढ़ लो,
ये सी लेवल से इतना ऊपर है एंड दिस इज अबाउट द नंदेल। ओ भाई गलत डिसीजन ले लिया गया, होटल पे ठीक ठाक से सो रहा था, एसी भी चल रहा था अपना, ठंडा कर रहा था, अभी और ऊपर चढ़ना है। ये दुकान है, यहाँ पे कुछ खा सकते हैं लेकिन अभी खाने का तो मन नहीं है ना, तो हमें और ऊपर जाना है ना पहाड़ों में वादियों में। ये वाली बस मिल जाती ना तो मैं इसमें पीछे लटक के आ जाता। आओगे भैया वापस आओगे? कह रहे तुम भाग जाओ यार। 8 दिसंबर से यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी स्टार्ट हो गया है, तो 8 दिसंबर के बाद आ रहे हो जो कि ऑलरेडी आ रहे होगे, क्योंकि अभी 8 दिसंबर 2021 तो चल नहीं रहा है ना, तो आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो। चलो और आगे चलते हैं। अब बाकी लोगों को देख रहे हो हाँ कितना थके हुए लग रहे हैं, देखो मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ, मैं नीचे से अभी आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3000 सीढ़ियाँ हैं और मैं 3000 सीढ़ी कवर करके आ चुका हूँ, लेकिन मैं थका तो नहीं हूँ, आपको पता ही है कि मैं कितना मेहनती हूँ। हाँ ये वाला जगह तो बिल्कुल नहीं जाना है भाई, दिस इज़ द प्लेस। किसी का जूता टूट गया यहाँ पे एंड दिस इज़ द प्लेस। हाँ फाइनली यहाँ से जो नज़ारे और व्यू है ना एकदम ही अलग है यार। यहाँ पे एक बड़ा सा टावर लगा है तो अपने फ़ोन पे नेटवर्क आ रहा है, ये पूरा ऐसे है, ये सामने आपको नज़ारे दिख रहे हैं। मस्त आराम से बेंच वेंच पे बैठ जाओ, यहाँ पे चिल मारो, वेदर अच्छा है आज। यहाँ पे एक और चीज़ देखी, देखो ये ना छोटे छोटे रेंजेस हैं, मतलब एक ये पीस है उधर एक पीस है, तो ऐसे बहुत सारे पीस एक साथ है, मतलब ऐसा कोई वैली या माउंटेंस नहीं है, बट दीज आर बिग रॉक्स कंसिडर्ड एज माउंटेंस, ऐसा है ये। आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो जी अब नीचे जा रहे हैं, नीचे उतरना कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरे को मन कर रहा है ऐसे ऐसे करके मैं अपने होटल तक पहुंच जाऊं, गाड़ी यहीं छोड़ दूं, कल टैक्सी करके आ जाऊं, फिर गाड़ी लेके जाऊं, इतना मज़ा आ रहा है, आप समझ सकते हो, मतलब भावनाओं को देख रहे हो यहाँ पे कितना इमोशंस है इसमें, कि मैं यहाँ से होटल तक जाने के लिए रेडी हूँ, मौसम और ये ढलान, वाह वाह बेस्ट कॉम्बिनेशन है लाइफ का। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह नहीं आना है तो सीढ़ियाँ ले सकते हो, देखो उतरते वक्त सीढ़ियाँ ले लो, चढ़ते वक्त मत लेना, वैष्णो देवी की चढ़ाई है भाई बहुत ऊपर। चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं, बहुत मस्त था, बहुत मस्त, मतलब यहाँ से सीरियसली जाने का मन नहीं कर रहा था एक्चुअली, इतने ऊपर चढ़ने के बाद मैं तो थोड़ी देर वहाँ पे जाके ना बैठ गया था, मैंने कहा भैया थोड़ा रेस्ट कर लो, इतनी जो कैलोरीज बर्न की है ना, अभी जाके कुछ चिकन खाना पड़ेगा, मेरे को चिकन खोजना पड़ेगा, एक पफ तो खा लिया अभी। इतनी सतरंगी बस है, है? ऐसा लग रहा है रेनबो खुद रोड पे चल रहा है। तो मुझे बहुत तेज सूसू आई है, बहुत ज्यादा तेज सूसू आई है, बारिश हो रही है, प्लस मुझे ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा यहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस। अब तो देखो हाईवे वाईवे का तो बात अलग होता है भाई, वहाँ पे ना गाड़ियाँ ज़्यादा रुकती नहीं है, आप चलते रहते हो, यहाँ पे तो घर वर है ना, अभी यहाँ पे कहाँ आदमी कहाँ करेगा, पब्लिक कन्वीनियंस खोज रहा हूँ मिल नहीं रहा है। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये गार्लैंड यहाँ पे लोकल, ये शॉल या स्कार्फ कह लो, ये स्कार्फ और ये टोपी, ये मैसूर का ऐसा है, तो ये मुझे ना एक आरिफ भाई मिले थे सब्सक्राइबर, मेरी गाड़ी पार्क थी तो वहाँ पे उन्होंने मुझे गाड़ी से नोटिस किया एंड ही गेव मी दिस, आई वाज सो टच्ड, मतलब इतना अच्छा लगा मेरे को, इतना अच्छा लगा, आई कुडंट रिकॉर्ड दैट टाइम, मतलब मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, बट आई वॉज, पहले वो मिले फिर वो स्पेशली गए लाने, फिर ही केम बैक एंड ही वेलकम मी, मतलब मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई ना यार, तो थैंक यू आरिफ भाई एंड थैंक यू ऑल द पीपल। मैंने इस ट्रिप पे बहुत लोगों से मिला, मैं बहुत सारे लोगों, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत लोग तो शायद मिल भी नहीं पाए बिकॉज मैं होटल से लेट निकलता था, बट सीरियसली यार जिस तरह अपनी फैमिली ग्रो कर रही है और जितना लव एंड वॉट एवर आई एम टूडे, वॉट एवर इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज, आई मीन आप नहीं हो तो मैं नहीं हूँ भाई। मैं यहाँ पे इंडियन ऑयल के पंप पे रुका और मेरे को कह दिया गया कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, एंड नॉर्मली मैंडेटरी होता है कि पंप या रेस्टोरेंट पे ना कोई भी आपको वॉशरूम यूज़ करने से रोक नहीं सकता है, बट उन्होंने कहा वॉशरूम इला मीन्स नहीं बिकॉज कोई जैम है, कोई ब्लॉकेज है, तो आप आगे देख लो, तो ठीक है अभी आगे देखेंगे क्या करेंगे। चलो दबा के रखते हैं। और आपको क्या लगता है कि मेरे को सच बोला गया या झूठ बोला गया, बिकॉज पेट्रोल पंप पे काफ़ी बड़ा स्टाफ होता है जो पेट्रोल पंप में
तेल भरने वाले या फिर वहाँ पे फाइनेंसेस मैनेज करने वाले बहुत बड़ा स्टाफ होता है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वॉशरूम नहीं है? सोचने वाली बात है, मैंने मान लिया कि चलो भैया ने सच बोला, दैट्स ओके। तो जी आ गए हम अपने होटल के लोकेशन पे, अब गाड़ी लगा देते हैं यहाँ पे नीचे मस्त आराम से। अब तो यहाँ से कल ही चेकआउट करेंगे, ऊपर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, एडिटिंग वाला बहुत काम पेंडिंग है। तो अब ये है फायदा कि दोपहर में आ जाओ तो शाम तक एडिट वेडिट करके अपलोड कर देंगे। भैया जल्दी ऊपर चलना है, अब तो मेरा प्रेशर का बांध ना चौथे फ्लोर पे ना, हाँ 4403 प्रेशर का बांध बहुत तेज उफान आ रहा है, ब्लड फ्लड आएगा, फ्लड हाँ फ्लड आएगा, इधर फ्लड आएगा, इधर नहीं आएगा ना, मेरे अंदर आ रहा है भैया। चलो ठीक है, चलो गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, उधर बैठ के करेंगे अपन एडिटिंग। लाइट वाइट भी थोड़ा डिमी करके रखा है मैंने, अच्छा है, मौसम अच्छा होने लगा है, बारिश हुई तो रात में कहीं निकलेंगे, और अगर नहीं हुई तो फिर कोई टेंशन ही नहीं। हाँ बारिश नहीं हुई तो कोई टेंशन ही नहीं भाई, गुजरात में ना फ्लड लाइक सिचुएशन, चुप रहे, गुजरात में बहुत गंदी सिचुएशन है। अभी अविनाश भाई से बात हो रहा था तो वो उन्होंने कुछ वीडियोस भेजा, इसके बाद मैं अटैच कर देता हूँ लास्ट में, मतलब अगर वैसा रहा तो बहुत डेंजरस है यार। अब एग्जैक्टली सूरत में अपना रुकने का प्लान है, सूरत में एक दो जगह जाने का प्लान है, बट रुक पाएंगे नहीं पता। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो थम्स अप, एंड अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, टिल देन पीस।